Hey guys, this is me, your host, your dost Prerna Sharma, and welcome to my channel. So, hello, how are you? कैसे हैं आप सब लोग? मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि मैं बहुत दिनों से नदारद थी, मैं गायब थी और मैं अब वापस आ गई हूँ. बट मैंने थोड़ा बहुत कनेक्शन आप लोगों से बना के रखा था क्योंकि मैं आपके साथ फुली डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही थी. बट मैंने आप लोगों का ध्यान रखा और मैंने मेरे शॉर्ट्स होते हैं वीडियो के, वो मैंने बना के आपके लिए अपलोड किए हैं. आई होप यू लाइक्ड इट. सो अभी हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं. सो गाइस, चल रहा है दिसंबर और ये है हमारा क्रिसमस वीक. तो यहाँ पे मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक सुपर हेल्दी, सुपर न्यूट्रिशन से भरा हुआ प्लम केक. और उसके लिए मैंने कौन कौन से सुपर हेल्दी इंग्रेडिएंट यूज किए हैं, मैंने इसमें क्या शुगर यूज़ किया है या क्या मैदा यूज़ किया है या दोनों भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं इसको बोल रही हूँ हेल्दी एंड सुपर हेल्दी. सो मैंने इसको किस तरीके से बनाया है उसको देखने के लिए आपको मेरा ये वीडियो प्लीज़ पूरा देखना पड़ेगा. तो आई एम रिक्वेस्टिंग. और साथ ही मैं आपसे बोलना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मैं मेरा कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा. सो डोंट फॉरगेट दैट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेज वीडियो. सो गाइस, एज आई टोल्ड यू कि बहुत हेल्दी बनने वाला है क्योंकि हम इसे बना रहे हैं सुपर डुपर हेल्दी विद लॉट ऑफ नट्स एंड बेरीज. तो यहाँ पे मैंने चेरीज ली हैं, ब्लूबेरीज ली हैं, एप्रिकॉट, रेजिन्स, एनी कलर ऑफ रेजिन्स यानी कि किशमिश आप ले सकते हैं, सम एलमंड्स, पिस्ताचियो. और साथ ही में मैंने यहाँ पे ले ली है क्रैनबेरी और अपना काजू हम इसमें यहाँ पे ले लेंगे और बहुत सारी हम कलरफुल हमारी ले लेंगे टूटी फ्रूटी. और इन सबको सोक करना है और सोक करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज जूस. यहाँ पे मैंने फ्रेश ऑरेंज जूस का यूज़ किया है. आप चाहें तो पैक भी ले सकते हैं, बट अगर आप इसको हेल्दी वर्जन में आप बना रहे हैं तो आई वुड प्रेफर आप इसको फ्रेश ऑरेंज जूस के साथ ही सोक करें. तो यहाँ पे एक बोल मैंने ले लिया है, उस बोल में मैंने सारे बेरीज एंड नट्स हमारे इसमें पोर कर दिए हैं और इसको अब हम एक बार दे देंगे छोटा सा प्यारा सा मिक्स एंड देन उसमें हम हमारा जो ऑरेंज जूस हमने निकाल के रखा है वो इसके अंदर हम पोर कर देंगे. सो गाइस, हमें जूस उतना यूज़ करना है जितना कि हमारे बेरीज एंड नट्स जो हैं वो अच्छे से इसमें डिप हो जाएं, जैसा कि आप सब लोग वीडियो में देख पा रहे हैं. सो करीबन मेरे को यहाँ पे 260 to 270 ml मेरे को यहाँ पे जूस लगा है. गाइस, अब इसे हमें कवर करके रख देना है सोकिंग के लिए और सोकिंग का जो टाइमिंग है वो है करीबन 8 to 10 hours. और आपके पास अगर बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स. और मिनिमम आपको 6 hours के लिए तो इसको सोक करने के लिए रखना ही होता है ताकि जो आपका केक है उसके अंदर इसका पूरा एक्सट्रैक्ट अच्छे से आ जाए, हमारा जूस इसमें मिल जाए एंड देन उसमें जब केक बनेगा तो इट विल बी वेरी जूसी एंड टेस्टी. सो गाइज, नाउ विल मूव ऑन फॉर ड्राई इंग्रेडिएंट. तो मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है और उसमें मैंने यहाँ पे डाला है आटा यानी कि व्हीट फ्लावर 1 cup एंड 1 cup मैंने डाला है सेमोलिना, 3/4 cup मैंने लिया है यहाँ पे कोको पाउडर एंड उसको हम छान लेंगे. और आप चाहें तो इसमें मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, बट जैसा कि मैंने आपको कहा मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक हेल्दी वर्जन ऑफ दिस केक, सो इसलिए मैंने यहाँ पे आटा लिया है एंड सूजी लिया है. सो गाइस, अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा सॉल्ट यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 1/4 teaspoon. साथ ही अब इसमें ऐड कर देंगे हम नटमेग पाउडर. तो मैंने यहाँ पे नटमेग पाउडर जो लिया है वो लिया है 1/8 tablespoon स्मॉल वाला जो होता है वो. एंड देन इसमें हम ऐड कर देंगे दालचीनी पाउडर यानी कि सिनेमन पाउडर, वो मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 tablespoon. साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है 1/8 tablespoon इलायची पाउडर फॉर जस्ट इन्हेंस टू द यू नो फ्लेवर. एंड देन इसको हम मिक्स कर देंगे और अच्छे से इसको प्रेस करते हुए छान लेंगे ताकि इसमें किसी भी तरह की कोई गांठें ना हो और ताकि हमारा केक जो केक का जो बैटर है वो बहुत ही स्मूथ और लम्स फ्री बन पाए. नेक्स्ट यहाँ पे अब मैंने एक अनादर बोल लिया है, उसमें मैंने डाला है 1/2 cup ऑफ कर्ड. साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1/3 cup ऑफ ऑयल. इसको हम दे देंगे अच्छा सा मिक्स एंड उसके बाद हमें इसमें मिक्स करना है हमारा हेल्दी वर्जन ऑफ स्वीटनेस दैट इज जैगरी पाउडर. तो मैंने यहाँ पे 1/2 cup लिया है गुड़. आप अपने अकॉर्डिंग आपकी जो टेस्ट है उसके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्वान्टिटी. उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है करीबन 1/4 cup ऑफ मिल्क और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ट्राई करेंगे इसमें किसी भी तरह का कोई लंप ना रहे.
नेक्स्ट अब इसमें हम ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। हम इसको देंगे अच्छा सा मिक्स। और इसमें अब हम ऐड कर देंगे हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट का पाउडर जो हमने बना के रखा था, इसको अच्छे से मिक्स देंगे। किसी भी तरह का कोई इसमें लंप नहीं होना चाहिए। सो गाइस यहाँ पे मिक्स करने के बाद मुझे लगा मेरा बैटर थोड़ा बहुत ज़्यादा थिक है, तो मैंने उसमें ऐड किया है थोड़ा सा और मिल्क। और जैसा कि आप सबको पता है कि जो सूजी होती है वो मॉइस्चर को जो है अब्जॉर्ब करती है, या पानी हो गया या दूध हो गया, तो उस हिसाब से हमें इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करना है। और इसको 15 मिनट के लिए हमें रेस्ट पे रखना है। उसके बाद हमें इसमें ऐड कर देने हैं थोड़े से एसेंस। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिया है ब्लूबेरी एसेंस, लाइक फ्यू ड्रॉप्स, 4-5 ड्रॉप्स। साथ ही मैंने यहाँ पे डाला है 1 टेबलस्पून के करीबन वनीला एक्सट्रैक्ट, या वनीला एसेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में मैंने इसके फ्लेवर को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए थोड़ा सा मैंने डाला है करीबन 5-6 ड्रॉप ऑफ कॉफ एसेंस, विच इज़ टोटली ऑप्शनल। उसके बाद मैंने इसमें हमारे सोक्ड नट्स एंड बेरीज जो हमने रखे थे ओवरनाइट, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। उसके बाद हमें इसमें दे देना है अच्छा सा मिक्स। सो गाइस कुछ इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अब हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं हमारे मोल्ड में। सो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ एक प्लम कप केक। तो यहाँ पे मैंने एक मेरा कपकेक का मोल्ड है, उसके अंदर मैंने लाइनर्स आते हैं कपकेक के, वो मैंने लगा दिए हैं। उसके बाद हमारा जो बैटर है वो मैंने इसमें ट्रांसफ़र किया है। थोड़ा सा मैं इसको गार्निश कर रही हूँ विथ सम मोर ड्राई फ्रूट्स, टूटी फ्रूटी एंड विथ सम मोर हेल्दी इंग्रेडिएंट्स। सो मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ सम सीड्स। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं पम्पकिन सीड्स। आप यहाँ पे पम्पकिन सीड्स यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे सनफ्लावर सीड्स यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप बिंदास यूज़ कर सकते हैं। गाइस अब मैं एक और मोल्ड यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ये एक ट्री के शेप का मोल्ड है, लाइक जैसा कि आप सबको पता है हम यहाँ पे बना रहे हैं क्रिसमस के लिए केक, तो ट्री के शेप में होगा तो यू नो बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे इस चीज़ को। सो मैंने यहाँ पे एक मेरे पास ट्री के शेप का सिलिकॉन मोल्ड था, तो मैं उसको भी यूज़ कर रही हूँ। और सिमिलरली जैसे मैंने प्रीवियस मोल्ड को फिल किया है विद बैटर, एंड उसके बाद सिमिलरली मैंने उसमें डेकोरेशन कर दिया है विद सम ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स। गाइस मैंने अब हमारे मोल्ड को जो है वो ट्रांसफर कर दिया है माइक्रोवेव में, जो कि मैंने ऑलरेडी प्री हीट करके रखा था जस्ट फॉर 10 मिनट्स एट 180 डिग्री सेल्सियस। और इसको अब हम बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस के करीबन 20-25 मिनट्स के लिए। अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस इट डिपेंड्स ऑन योर माइक्रोवेव और ओवन, तो आप इस बीच में कुछ चेक करते रहिए। 25 मिनट्स के बाद यहाँ पे हमारे जो मैंने बनाए हैं कप केक एंड थ्री प्लम केक जो हमने बनाए हैं वो रेडी हो गए थे। आई चेक विथ स्टूअर्ड या मैंने टूथपिक से भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमें कर देना उसको थोड़ी देर कूल डाउन होने के लिए रखना है कवर करके। तुरंत ही हमें उसको डीमोल्ड नहीं करना है, अदरवाइज वो टूट जाते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमारे थ्री प्लम केक्स आर रेडी, अच्छे से ठंडे हो गए हैं, मैंने उन्हें डीमोल्ड भी कर लिया है। सो गाइस हियर आई एम रेडी विद माय फाइनल प्लेटिंग। सो यहाँ पे मेरे कप केक्स एंड थ्री प्लम केक्स आर रेडी। और इसी तरह से मैं आपको बोलना चाहूँगी, इसी तरह से ट्राई कीजिए एक हेल्दी वर्जन ऑफ केक बनाने का, ताकि लोगों का जो मिथ है कि हेल्दी केक जो होते हैं बहुत हेल्दी नहीं होते हैं, अनहेल्दी होते हैं, तो बस इसी तरह से हेल्दी हेल्दी चीज़ें बनाते रहिए और अपनी फैमिली की हेल्थ का ध्यान रखते हुए उन्हें अच्छे से इंजॉय कराते रहिए। तो गाइस आई होप आप सबको मेरा ये थोड़ा सा हेल्दी सा एफर्ट पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैवंट येट। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन आल्सो, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होता है गाइस मुझे आप लोगों की तरफ से, और इतना तो बनता ही है। तो बस इसी तरह से मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करते रहिए, एंड इन फ्यूचर डेफिनेटली मैं आपके साथ बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ। सो गाइज प्लीज़ दिस क्रिसमस केक बनाइए घर में, हेल्दी केक अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, सभी के लिए। और बस खुश रहिए और इसी तरह से इंजॉय करते रहिए। मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। बाय।